नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर रेखा बुटोला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो 5:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ उनकी बेटी के लिए बुक्स लेने के लिए, और बुक्स लेने के लिए मेरी फ्रेंड के बेटे का बुक्स है तो वहाँ जाना है उसके घर में, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो आपसे वहीं पर जाके मिलते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो आज का मौसम थोड़ा हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा है, पर धूप अच्छी खासी लगी हुई थी। 2 दिन से थोड़ा हल्की सी ठंडक है, और वैसे तो दिन में काफ़ी धूप लगी हुई है। और तो चलिए अभी, और ये है सारिका डार्लिंग, इसकी बेटी के लिए बुक्स लेने आए हुए हैं। और अभी आएगी जिनके घर में आए हैं, शारदा देवी। शारदा देवी आ जाओ, कमिंग कमिंग। शारदा ने पर्दा लगा रखा है, पता नहीं क्या छुपा रखी हमसे। और ये आगे शारदा, ये भी ब्लॉगर है, पर ये आजकल बना नहीं रही है, आजकल बिजी हो मैं बच्चों के साथ। हाँ, तू भी बता ले अपने चैनल। हाँ, मेरा चैनल है शारदा पहाड़ी लाइफ स्टाइल, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। हाँ। कराओ तो आ जाएगा। तो इसके घर में आए, ये मेरी फ्रेंड है, पहले भी देखा होगा आपने वीडियो में, मैं और बबली और ये, और आज सारिका को लेके आई हूँ मैं। तो अभी हाँ, ये मेरे पीछे बैक साइड में रहती है। तो अभी हम पानी पीते हैं। और ये है इनके आसपास की कॉलोनी, ये मुझे भी पता नहीं है। और इसके घर का बैग बैग देखते हैं, इंदिरा नगर में आता है पूरा। अरे आजकल तो आंटी नहीं है, गमलों का देखो डालती है, थोड़ा सा रखे है गमले, फूल एक ही है, जेरेनियम भी खिले हुए बस। और तो इनके यहाँ पे भी काफी बंदर आते हैं, अभी तो है नहीं, वैसे शाम को भी रहते हैं। और पीछे की साइड पूरा जंगल है, तो यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ, जब ट्यूशन के लिए आते थे हम तो नहीं रहते थे वहाँ पे, इतने सारे बंदर। अभी मैं छत से दिखाती हूँ व्यू जंगल का। नहीं, ये वो पहले आ गया था, वो पहले आ गए थे स्कूल से, उसको पता है मम्मी फिर पीटेगी। तो ये है बैक साइड में पूरा जंगल एरिया, और इसके जंगल एरिया के बाद है फिर टी गार्डन, है ना? काफी बड़ा जंगल है, उसके बाद टी गार्डन लगता है यहाँ से। हाँ, पर बीच में जंगल है ना, मुझे लग रहा है आई थिंक 2-3 किलोमीटर का जंगल है, और उसके बाद है टी गार्डन। तो ये चारों तरफ से जंगल है, इस वजह से यहाँ पे काफी सारे बंदर आते हैं, और लोगों ने काफी बड़े बड़े घर बना रखे हैं यहाँ पे, बहुत ही बड़ा घर। ये है तुम्हारी साइड के है तो उधर ही। तो ये बादल लगे हुए हल्के हल्के से, शाम का मौसम है, टाइम है। और ये जो दिख रहा है आगे सामने पेड़, उसमें ऐसा लग रहा है कि आम है, पर वो पूरे तोते बैठे हुए हैं उस पेड़ में। ये देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ मैं, तो ये पूरे तोते हैं आम की शेप में बैठे हुए हैं, तो देख सकते हैं। येलो में भी आती है, व्हाइट में, क्रॉस में। ये है मेरी फ्रेंड की बेटी सानवी, हेलो। ये देखो, और ये उसकी भतीजी है, और अंदर डॉग है, भौंक रहा है, उसको अभी अंदर कर दे, वो हमारे पीछे भाग जाएगा। सानवी बाय, चलिए बाय 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 बाय। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर रेखा बुटोला में स्वागत है। तो ये वीडियो जो
जो मैंने आधा बनाई थी परसों, तो आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू आगे करते हुए आज शाम के 6:30 बजे से वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं अभी कॉलोनी में जा रही हूँ, वहाँ पे होली का सेलिब्रेशन होगा, तो उसके डिस्कशन करने जाना है कि होली के दिन खाने पीने का क्या प्रोग्राम है। तो हमारी कॉलोनी की सारी लेडीज़ वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे डिस्कशन चलेगा कि क्या क्या चीज़ें बनेगी या बनेगा या नहीं बनेगा, अभी कोई पता नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और ये देखिए हमारे किट्टू रानी बहुत थक चुकी है, दिन भर घूमती रहती इधर उधर और अभी सो गई है, गहरी नींद में सोई हुई है। इसको अभी ना खाना ना पीना कुछ नहीं चाहिए, अभी नींद चाहिए इसको, पूरा भरपूर नींद चाहिए। बहुत शैतान है, दिन भर ये घूमती रहती है और शाम को भी इसको पकड़ के लाना पड़ता है, नहीं तो ये घर के अंदर आती नहीं है शाम तक। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको जब मेले से आई उसके बाद सबसे पहले मैं इसी को घर ले आई और इसकी वॉशिंग हो चुकी है, यहाँ पे लेटी हुई है, अब सीधा रात को ही उठेगी ये। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो ये होली के दिन हम रात को करते डिनर और सब लेडी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाते हैं, तो एक जगह में इकट्ठा होके हम उस दिन खाना खाते हैं। शाम को रात का डिनर एक साथ होता है तो मज़ा आता है। होली के दिन ऐसे कभी कभार ही होता है कि सभी लोग मिलजुल के खाना खाते हैं एक जगह में, तो वैसे ये 2-3 साल से हो रहा है, तो इस साल देखते हैं अभी होगा या नहीं होगा, क्योंकि कॉलोनी में भी काफ़ी लोग बिजी है कोई नहीं है, तो अब वहीं पे जाके पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम बन रहा है। तो आप चलिए मेरे साथ और मैं अंदर ही बना रही वीडियो, बाहर तो अंधेरा हो रखा है तो शाम को ही बना रही हूँ। आना शुरू हो गए लेडीज़, बातचीत करेंगे क्या क्या होगा। और हमारे कॉलोनी में उजाला, लाइट का उजाला, और अंकल जी बड़े उससे सुन रहे हैं क्या बातचीत कर रहे हैं। अंकल जी ने उनकी बिल्ली है, ये हमारी बिल्ली के दूसरे मम्मी पापा हैं और ये तो हमारी पड़ोसी आंटी। हाँ, पूरे पड़ोस वालों ने गोद ले लिया बिल्ली को। तो अभी खाने पीने का डिस्कशन कर रहे हैं क्या बन रहा है। आपने मैसेज पढ़ लिया? तो वो बातचीत चलेगी। तो ये लोग तो इस बार दिल्ली जा रहे हैं, मोना डार्लिंग जो पूरा ऑर्गेनाइज करते थे, अब इस टाइम पे है नहीं, कुछ भी प्रोग्राम सही ढंग से हो नहीं रहा है बिना मोना के। और ये आ चुकी है नीरू दीदी। हाँ, इसकी भी डिस्कशन हो रहा था, इसकी भी ब्लॉग बनेगी ना, सब चीज के ब्लॉग। और ये आ गई पूजा, हेलो पूजा, हाय। और ये निरंजन है, हेलो 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 हेलो, आराम फरमाए। तो अभी हम इतनी ही लेडी है यहाँ पे डिस्कशन कर। रश्मि दीदी एक एक करके आ रहे, अब इसके अलावा और है क्या? और है और नहीं है? अब अपने मेन्यू बताओ भाई, कौन क्या बनाएगा। पहले पार्टी का भाई वो सी दिन ऐसा है ना, अगर हेल्प मिल रही है तो एक को ही दे देते हैं। तो पूजा छोला डन हो गया है और कंबोज दीदी का चावल हो गया है और ये दीदी का पूरी हो गया, आधी पूरी ये बनाएंगे, आधी पूरी पूजा। यस यस, चटपटी चे। और निरंजन, निरंजन क्या बनाओगे निरंजन? पम्पकिन, एक कद्दू की सब्जी जो लाल कद्दू होती है उसकी सब्जी। और इस बार बड़ोला आंटी मिस कर गए।